और सुबह की शुरुआत एक प्यारे से केक के साथ जो कि है प्रेम सर के लिए। तो आज है इंटरनेशनल स्पीकर श्री प्रेम रावत जी का जन्मदिन यानी कि बर्थडे, और मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्रेम सर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और केक भी काफी क्यूट सा आया है, तो हम लोग घर पे ही केक कट करेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। प्लीज आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हैप्पी बर्थडे प्रेम सर। हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 10 दिसंबर और आज है प्रेम सर का बर्थडे। तो वो है इंटरनेशनल स्पीकर और पीस के बारे में उनका मैसेज रहता है। आप लोग चाहो तो www.premrawat.com पे आप उनके बारे में जाकर, उनके साइट पे जाकर जान सकते हो मोर इन्फॉर्मेशन। और हम लोग आज सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। घर पे कुछ ही कुछ गेस्ट आएंगे और उन्हीं के साथ हम लोग थोड़ा सा गेट टुगेदर करेंगे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। बता रहा मैं कैसे लग रही हूँ, पहनी हूँ ये एक ऑरेंज कलर की गाउन और साथ में एक लाइट सा झुमका टाइप का एयरिंग, और बस यही आज का मेरा लुक है। और लुक पसंद आए तो प्लीज़ ये भी ज़रूर बताना। आज मिस विजया भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, तो तैयार हुई है मैडम, इधर आए ज़रा कैमरे के सामने। और ये है विजया का लुक और स्पेशल वाला लुक है। और ये जो ज्वेलरी सेट है, तो मेरी जो सब्सक्राइबर है सोनी सा सिलीगुड़ी से, उन्होंने गिफ्ट करा था, प्रेजेंट करा था। तो आज विजया जी वही पहनी है, तो बताना कैसी लग रही है। मुझे तो काफी खूबसूरत लग रही है, तो बहुत ही खाते थे। और साड़ी पहना है आज विजया जी ने, आज बहुत आना बर्थडे। तो हम लोग सब विश कर रहे हैं प्रेम सर को जन्मदिन के लिए और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रेम सर, हैप्पी बर्थडे प्रेम यू। विशू अ वेरी हैप्पी बर्थडे महाराज जी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Prem sir, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Prem sir, happy birthday to you. Wish you a very happy birthday Prem sir. Breakfast mein hai गरम कचौड़ियाँ और इसके साथ आलू दम, या आलू की सब्जी भी वाली स्पेशल होती है वो रेसिपी, तो वो करेंगे। घर पे है मेरा ब्रेकफास्ट, तो फिलहाल अभी यही करूँगी। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और घर पे ग्लास में गर्मा गर्म चाय है। मेरा ब्रेकफास्ट तो ऐसे भी करूँगी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कपड़े भी चेंज नहीं करे मैंने, तो इसी कपड़े में रहूँगी अभी। बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है, मैं जैसे इन्जॉय कर रही हूँ आपको, आप लोग मेरे पे ज्वाइन कर रहे होंगे हर दिन को। तो हर दिन ही बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि हम लोग जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं। तो एक सबसे यही बोलती हूँ कि सब अच्छे रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना और मेरे वीडियो को एंजॉय करना। तो मेरी सब्जी चढ़ी हुई है। तो कल जब मैं मार्केट गई थी, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, और जब मार्केट गई थी तो मैं ये वाला बैग लेके आई हूँ कल मार्केट से। तो काफ़ी खूबसूरत सा, यूनिक सा है, मोस्टली यूज़ करने के लिए कलर भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी वाली बैग है। तो ये कल लेके आई, इसी बैग को ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि सबको अलग अलग टाइप की पसंद आ रही थी। तो ब्लैक में भी था, पर मुझे लगा कि ये ले, और मैंने ये लिया। तो बताना बैग भी कैसा है। अब चेंज कर लिया है क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो लगता ही नहीं कर सकता मैं कि ठंडी का मौसम आया है। तो शाम को थोड़ी बहुत होती है, तो वो भी फॉग की वजह से सुबह और शाम को, वरना मतलब कि दोपहर का टाइम पे तो नॉर्मल ही सीजन रहता है, मौसम रहता है। और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, 5 बजे बंद कर दिया है। और बनाई हूँ मैं आज भोग में खिचड़ी, तो ये शुद्ध मतलब कि गोविंदो भोग जो होती है ना, खीर वाली चावल की खिचड़ी बनती है। और मोस्टली कलकत्ता में हर पूजा में, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, हर फेस्टिवल में इसी चावल की खिचड़ी बनती है, जो कि मैंने बनाया है। और अभी हम लोग वही खाएंगे, आस पास भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और
इंजॉय करना है, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, तो पूरा शेड्यूल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कट होते होते कितने पे आ गया है, पर कोई नहीं, सही है, अच्छा ही लग रहा है केक। ये है इधर आलू और गोभी की सब्जी, और इसके साथ है खिचड़ी, और इसके साथ है खिचड़ी, तो इसी खिचड़ी के साथ उधर पे मैं हूँ, उधर पे मेरी सिस्टर है, मैं आई हूँ समुद्र खाना लेने, चावल चुराने आई है मैडम। तो बस इधर पे हमारी कुकिंग हो चुकी है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, प्रसाद लिया है और इधर पे भिजिया है, तो खिचड़ी मैंने कहा था जैसा कि वो प्रसाद है, गरम गरम अच्छे किए ना खाओ, तो अभी देना है, चलो मैं चलो फिर, तो बड़े वाली दीदी को देना है, और जा रहे हैं गेस्ट को छोड़ने के लिए, काफी एज है इनका, लंच करूंगी तो मैं डाइनिंग टेबल पे, और कर रही हूँ डिनर, इधर पे है खिचड़ी और सब्जी, तो ये सॉरी डिनर नहीं लंच, तो नमक हो गया, अभी वो बोले थे कि नमक कम है तो मैं नमक लाई, पसंद नमक, हाँ तो ये बात है, तो चलिए हम लोग अभी कर रहे हैं लंच और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग में अभी एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, इधर पे बैठी है मिस विजया, तो जल्दी आ जाओ, तो अच्छा रहे, स्वस्थ रहें, और बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें अपना, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इंजॉय करें, तो बिल्कुल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और ठीक रहना है, टाटा।